गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। गाइस, आप जा रहे हैं द्वारिकाधीश मंदिर और नागेश्वर जाएंगे तो यहाँ पर रूम क्लोज हो रहा है भाई। अब आगे बढ़ रहे हैं और आज अपनी कार से नहीं जाएंगे भाई, टैक्सी करेंगे, टैक्सी से जाएंगे, क्योंकि उसको पता रहता है कि यहाँ पर कौन सा मंदिर कहाँ पर है। क्योंकि हम अगर कार से जाएंगे तो मैप चलाना पड़ेगा और मैप चलाने में टाइम लगता है, रास्ता भी पूछना पड़ता है, और यहाँ टैक्सी वाले को सारा कुछ पता होगा। तो गाइस, टैक्सी से चलते हैं आज। दाढ़ी सेट भाई, रिंकू भाई की बन रही दाढ़ी। गाइस, दाढ़ी बन गई है और अब मस्त स्नान करेंगे। दाढ़ी बनाने के लिए आए थे हम मजदूर, तीन लोग आए थे। गाइस, आज जो दाढ़ी बनवा रहे हैं 2000 किलोमीटर पे बनवा रहे हैं, क्योंकि द्वारिकाधीश में बैठे हैं गुजरात, यहाँ पर दाढ़ी बनवाए हैं। रिंकू और मजदूर साथ में आए थे, मस्त दाढ़ी बन गई है और मधुर भी रेडी। सोवत में जितने फोटो बने हैं किसके, हम सोच ना रहे हैं। हाँ। तो फोटो फट डिलीट हो जाए, तुम काम बताई थी कि तुम का हमारी गाइस, नागेश्वर महादेव मंदिर में आ गए हैं। नागेश्वर महादेव, जय भोले शंकर भगवान की, जय भोले शंकर भगवान की, जय नागेश्वर महादेव की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय भोले शंकर की जय हो। गाइज, नागेश्वर महादेव भगवान भोले शंकर के दर्शन हो गए हैं और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भगवान भोले शंकर को नाग के रूप में और माता पार्वती को नागिन के रूप में, नाग और नागिन का जोड़ा चढ़ाने से भगवान भोले शंकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और यहाँ पर इसी प्रकार से पूजा की जाती है। नाग और नागिन की मूर्ति को के साथ में अगर पूजा करेंगे तो उसका विशेष महत्व होता है। तो गाइज़,
भगवान भोले शंकर के, नागेश्वर महादेव के दर्शन हो गए हैं। अब जाते हैं गोपी तालाब। और गाइज, नागेश्वर महादेव भगवान भोले शंकर की यहाँ पर बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित है, जो बाहर ही है मंदिर के अंदर। तो भगवान नागेश्वर विराजमान ही हैं और बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित है। अभी गाइज हम आपको दिखाते हैं। गाइज यहाँ पर कबूतर दाना चुंग रहे हैं और ये देखिए बिल्कुल पास में है। ये भगवान भोले शंकर की बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित है यहाँ पर। ये देखिए बहुत बड़ी मूर्ति है। सौ डेढ़ सौ फीट समथिंग होगी, 150 फीट की मूर्ति है ये भगवान भोले शंकर की। भगवान भोले शंकर आशीर्वाद दे रहे हैं। भक्ति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गोपी तालाब मंदिर आ गए हैं गुजरात में। गुजरात में नागनाथ के दर्शन हो गए हैं, ज्योतिर्लिंग हमारी। अब गोपीनाथ मंदिर में आगे तालाब में दर्शन करने जा रहे हैं। यहाँ से द्वारका भी सब जाएंगे। मंदिर खुलेगा लगभग 4 बजे, फिर 4 बजे से दर्शन लगने में हो जाएंगे 2 घंटे, 6 बजे फिर निकलेंगे। गाइस श्री गोपीनाथ मंदिर आ गए हैं, गोपी तालाब भी बोलते हैं यहाँ पर। गुजरात मैरीटाइम बोर्ड वेलकम। गाइज वेद द्वारका में आ गए हैं और चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है। ये देखिए इधर भी समुद्र है और उधर भी समुद्र है। तो ये बीच में रास्ता बनाया हुआ है जाने के लिए। यहाँ से बोट मिलेगा तो ये हमको मंदिर तक पहुँचाएगा बोट। और गाइज ये सामने आप देख रहे हैं इस साइड में, ये ओवर ब्रिज बन गया है समुद्र के बीच से। गाइस समुद्र के बीच से ये ओवर ब्रिज बन गया है। अभी इसका उद्घाटन नहीं हुआ है, माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने बनवाया है। अभी कुछ दिनों के बाद में उद्घाटन होगा, उसके बाद में ये फिर से संचालित हो जाएगा। और ये इस रास्ते से कहीं मिलाता हुआ है। गाइस बहुत ही बेहतरीन ओवर ब्रिज बन गया है समुद्र के बीच से। गाइस चारों तरफ जलाओ समुद्र भाई, सब स्टीमर चल रहे हैं, सारे बोट पड़े हुए हैं, मस्त। ये एकदम फुल हो गया है भाई नाव में बैठने का, क्योंकि अभी तक हम अभी नाव में नहीं बैठे थे, तो फर्स्ट बार हम नाव में बैठ रहे हैं। और देखते हैं कि कैसा समुद्र के बीच से जाना होता है, कैसा नाव रन करता है भाई। ये इसमें बैठ चुके हैं सभी लोग नाव में। भाई सीट मिल जाएगी, कितना सवारी है? जल्दी बस सिंगल है। चलो ना बैठो ना, सात सवारी है भाई, सात है हमारे भाई, सात का टिकट भाई, एक टिकट दे दिया है। गाइज एक टिकट दे दिया है और एक वापसी का टिकट है, तो उधर से जब वापस आएंगे तब टिकट देना पड़ेगा। तो अभी सब लोग बैठ गए हैं नाव में, ये देख रहे हैं, और सीट एकदम फुल हो जा चुकी है। देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है भाई समुद्र में जाने का।
बाहर भागा गाइस, भेंट द्वारका से वापस आ रहे हैं और भेंट द्वारका मंदिर तक जाने के लिए समुद्र पार करना पड़ता है, तभी वहां तक पहुंच पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में कोई भी रास्ता नहीं है। और गाइस, देखा जाए अगर तो प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा काम कर दिखाया है कि समुद्र के बीच से ये ओवर ब्रिज बनवा दिया है जो रास्ता मंदिर से मिलाता है, वहाँ तक पहुँच सकते हैं गाइज, समुद्र पार करके। फोर व्हीलर भी इस पे चल सकती है, जल्द ही उद्घाटन होने वाला है दीपावली में। तो गाइज, अब फिर से हम बोर्ड में बैठने जा रहे हैं और समुद्र पार करेंगे, उसके बाद में पहुँचेंगे द्वारकाधीश मंदिर। सोनू, इससे पहले आप नाव में बैठे हैं? नहीं, अभी नहीं, छोटे वाले नाव में बैठे हैं इससे पहले। अच्छा, पहले तो कागज का नाव बनाते थे, आज वास्तविक नाव में बैठने का मौका मिला। तो काफी सफर किया है, लगभग 10 किलोमीटर का समुद्र में सफर किया हमने। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, दर्शन भी हो गए बहुत अच्छे, सफर भी बहुत अच्छा लगा। राम कुमार भाई, आपको नाव में बैठ कर कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। पहली बार बैठे हैं जी? क्या एक्सपीरियंस है, कुछ बताएंगे? लगभग 15 किलोमीटर दूरी दर्शन करने के लिए आए हैं। हाँ, तो बढ़िया नाव में समुद्र का किनारे किनारे बीच में होते हुए समुद्र में जाए दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। नागेश्वर महादेव की। अपने घर से 2000 किलोमीटर दूरी पर स्थित समुद्र द्वारकाधीश मंदिर के पास में, और गाइज यहाँ पर भेंट द्वारका है, तो भेंट द्वारका है वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण भगवान जी आए थे, वहाँ पर सुदामा जी से मिले थे, तो भेंट द्वारका के नाम से प्रसिद्ध हैं। और वहाँ तक जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है, समुद्र पार करके ही जाना होता है। तो गाइज, समुद्र पार कर रहे हैं, नाव में बैठे हैं, बोलो द्वारकाधीश की। ठीक है, चल रहे हैं अपने स्थान द्वारकाधीश के बारे में आप कुछ बताएं। बस द्वारकाधीश उधर से मथुरा से इधर आ गए जी, द्वारकाधीश मथुरा छोड़ के इधर द्वारका में आ गए थे, वो शिशुपाल के साथ दुश्मनी थी जी। जी, तो इधर चारों ओर दरिया के अंदर द्वारका बनाई, तो वो फिर इधर उनके साथ लड़ाई करने के आ नहीं पाएगा जी, शिशुपाल जी। अरे सॉरी, शिशुपाल नहीं, जरा सकता शिशुपाल को तो उन्होंने ही वध कर दिया था, जरा सकता। अच्छा अच्छा, गाइज अपनी फोर व्हीलर तो पार्किंग में पार्क हो गई है, अब हम लोगों को ऑटो ढूंढना पड़ेगा, ऑटो से जाएंगे क्योंकि यहाँ से समथिंग 1.5 किलोमीटर है, गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है, तो 1.5 किलोमीटर है, काफ़ी दूरी है गाइज, हम लोग ऑटो से निकलेंगे ताकि जल्दी पहुँच जाएँ।